नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रहे पुस्तक मेले में नाथूराम गोडसे की पुस्तक गांधी का वध प्रदर्शित किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने पुस्तक मेले के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते हुए नाथूराम गोडसे की पुस्तक को प्रदर्शित करने पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन की भत्सर्जना की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आज़ादी में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज उन्हें संपूर्ण देश राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है, लेकिन उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की पुस्तक को प्रदर्शित कर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी मानसिकता को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यदि इस पुस्तक की बिक्री बंद नहीं हुई तो कांग्रेस जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा कि यदि वह राष्ट्र का मान नहीं रख सकता है तो फिर नाथूराम गोडसे की जयंती मनाना शुरू कर दे, नाथूराम गोडसे की विश्वविद्यालय में प्रतिमा स्थापित कर दे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तथा शहादत दिवस पर होने वाले अवकाश को रद्द कर नाथूराम गोडसे की जयंती तथा शहादत पर अवकाश शुरू कर दे। वहीं पूर्व विधायक ब्रजेंद्र कुमार व्यास ने भी विश्वविद्यालय प्रशासन की इस मानसिकता को राष्ट्र विरोधी मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन नई पीढ़ी को क्या बताना चाहता है। उन्होंने तत्काल इस पुस्तक को पुस्तक मेले से हटाए जाने तथा विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा माफ़ी मांगे जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य रूप से शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, प्रदेश सचिव मणिराम कुशवाहा सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद थे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जिनके चित्र पर डाक टिकट जारी पूरी दुनिया के 145 देशों में जिनके नाम से सड़कें हैं, जिनकी शहादत पर पूरी दुनिया रोती है, वो केवल हिंदुस्तान की सीमाओं में नहीं बने थे, वो पूरी दुनिया की सीमा में बने थे। वो अहिंसा के पुजारी थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले थे। उन महात्मा गांधी की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई और हत्या के वारदात को वध कहते हुए जिस हत्यारे ने उनकी हत्या की उसका महिमा मंडन करने वाली पुस्तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बिक रही है। कम से कम नए छात्रों को ये कुत्सित इतिहास नहीं पढ़ाया जाए। अगर गांधी वध जायज है तो प्रधानमंत्री संसद से गांधी जी की प्रतिमा हटवाए, मुख्यमंत्री जी विधानसभा से हटवाए और जो 30 तारीख को 2 अक्टूबर को जो सारे लोग उनके जन्मदिन पर और शहादत दिवस पर जो कार्यक्रम करते हैं वो बंद करें, क्योंकि वध तो राक्षस का होता है, आतंकवादी का होता है। ये महिमा मंडन गांधी के देश में गोडसे का महिमा मंडन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे भाई मनोज गुप्ता जी, ब्रजेंद्र व्यास जी, इम्तियाज भाई, गांधीवादी नेता जो पूरी दुनिया में घूमे, श्रीराम बिलगैया, देवी सिंह कुशवाहा, अरविंद बबलू, हमारे सफीक मकरानी, शिरोमणि जैन, हमारे जितने साथी हैं सारे लोग आज ये सोच के आए हैं कि अगर ये बुंदेलखंड का इतिहास बिगाड़ना चाहते हैं, बुंदेलखंड का इतिहास वो है जहाँ पर उपन्यास सम्राट बाबू वृंदावन लाल वर्मा ने जन्म लिया, एकता का पाठ पढ़ाया, मैत्रीसरण गुप्त ने जन्म लिया, उस माटी में ये किताब क्यों प्रतिबंधित? तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई उसको क्यों बेचा जाएगा? सैकड़ों की संख्या में हम लोग आए हैं, ये हम कुंभकर्णी नींद में सो रहे बुंदेलखंड प्रशासन को जगाने आए हैं कि बुंदेलखंड के साथ खिलवाड़ बंद करो, आप मैथिलीशाह गुप्त का साहित्य पढ़ाओ, रामचरण अय्यर मित्र का पढ़ाइए, प्रेमचंद का पढ़ाइए, बिक्री नहीं रुकती तो क्या करेंगे? हम लोग जनतांत्रिक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें बिक्री रोकना पड़ेगी, नहीं तो उन्हें गोडसे की मूर्ति लगाना चाहिए। गोडसे की मूर्ति के सामने जिस दिन गांधी जी की हत्या में उन्हें फांसी हुई थी उस दिन का दिन उन्हें शहादत के रूप में मनाना चाहिए और गांधी जी के जन्मदिन पे जो 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है बंद कर दें, 30 जनवरी को जो अवकाश होता है हॉर्न बजता है वो बंद कर दें, गोडसे को पूछना शुरू कर दें। राष्ट्रपिता
और इस शब्द की ताकत भारत भारत का नाम महिला किया जा रहा है, उनका नाम घोषणा दिया जाए और गांधी के पर आगे भी तो आज भी भारतीय लोगों का होता है, राक्षसों का होता है। आज हम लोग का विरोध है कि आप इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।